कांगड़ा में जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव काठगढ़ का समापन हो गया। समापन समारोह में इंदौरा की विधायक रीता धीमान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंदिर कमेटी ने विधायक का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्य मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई और मुख्य अतिथि ने पूजा अर्चना कर आयोजन को विराम दिया। प्राचीन शिव मंदिर प्रबंध कारिणी सभा काठगढ़ के प्रधान ओम प्रकाश कटोच व सभी कमेटी सदस्यों ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर SDM इंदौरा सुमिल गौतम, तहसीलदार इंदौरा जनकराज, महंत कालिदास, थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान, ब्लॉक समिति के अध्यक्ष सहदेव ठाकुर, काठगढ़ पंचायत के प्रधान जगमोहन सिंह उर्फ गोल्डी आदि मौजूद रहे। पंडाल में उपस्थित गणमान्यों को भी मंदिर सभा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेंद्र पटाखा ने मुख्य अतिथि के आगमन पर स्वागत गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में मंदिर सभा द्वारा प्रायोजित वार्षिक मेधावी छात्रवृत्ति प्रतियोगिता में मेरिट धारकों को भी प्रशस्ति पत्र मेडल व नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। वहीं तीसरे दिन भी मंदिर में श्रद्धालुओं का हजारों की संख्या में आना जारी रहा और दिन भर कतारों में खड़े होकर दर्शनों को अपनी बारी का इंतजार करते रहे। श्रद्धालुओं के हर हर महादेव व बम बम भोले के जय घोष से मंदिर परिसर दिन भर गूंजता रहा। इस मौके पर विधायक ने मंदिर के सुधार के लिए 1,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए इंदौरा से पंकज शर्मा के साथ ठाकुर द्वारा से गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट।